नमस्कार मित्रों, ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधा उपाध्याय जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ प्रश्न पत्र आधुनिक कविता 2 के अंतर्गत रघुवीर सहाय की काव्य यात्रा पर चर्चा करूंगी। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप साठोत्तरी कविता में असंतोष और अस्वीकृति का स्वर और रघुवीर सहाय के बारे में जानेंगे। रघुवीर सहाय की प्रतिबद्धता और निर्भीकता से सनी हुई कविताओं के बारे में जानेंगे। रघुवीर सहाय का समग्र आकलन कर सकेंगे। रघुवीर सहाय की कविताओं में प्रयुक्त भाषा, मीडिया और स्त्री स्वर को समझ सकेंगे। रघुवीर सहाय का समग्र लेखन सत्ता और शक्ति के विरोध का लेखन है। उनके लेखन में समाज का असली चेहरा मौजूद है, इसलिए तमाम घुसपैठियों, धर्म के ठेकेदारों, कुटिल राजनीतिज्ञों, क्रूर पुलिस और उसकी ताकत को रघुवीर सहाय पसंद नहीं आते हैं। खेद की बात है कि आलोचक समुदाय भी इसी विडंबना में फंसा है। रघुवीर सहाय के समग्र साहित्य को संगठन के खिलाफ, समर्थ के खिलाफ, सफल के खिलाफ क्यों देखा जाता रहा है? आत्महत्या के विरुद्ध सन 67 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 75 में, लोग भूल गए हैं 82 में और आखिरी संग्रह कुछ पते और चिट्ठियां सन 89 में लगातार रामलाल, कमला, मुसद्दी, रमेश, मैकू, रामू, रामदास, चंद्रकांत, दयाशंकर, दयावती जैसे साधारण पात्रों को अपने असाधारण दर्द में शामिल कर हमें विचलित करते रहे हैं। ये अपनी ही स्थितियों में जीते मरते लोगों की व्यथा है। इन दबे कुचले लोगों का कोई उदात्त रूप प्रस्तुत करना रघुवीर की मंशा नहीं है, बल्कि वे साधारण लोग अपने छोटे छोटे प्रयासों से पूरी समाज व्यवस्था से मुठभेड़ और जिरह करते दिखाई देते हैं। सत्ता और राजनीति की बर्बरता के सामने मामूली लोगों की अमानवीयता से जूझने की कुवत ठीक ऐसे ही है जैसे तोप के सामने छोटी सी पेंसिल रख दी जाए और अचानक ही तोप हास्यास्पद नजर आने लगे। हिंदी आलोचना में रघुवीर सहाय का मूल्यांकन करते हुए कई प्रश्नों से हम जूझते हैं। एक सफल कविता में हमेशा किसी खटके, किसी शंका और संदेह का इशारा रहता है। वस्तुतः अंधेरे में जो विस्तार है उसे उसकी तहों में धसकर ही जाना जा सकता है। अतः कवि के साथ साथ समीक्षक की जिम्मेदारी या कहले भागीदारी बढ़ जाती है। कोई दूसरा हम पर क्यों नजर रखे, क्यों न हम अपने ही आत्मनिर्वासन से बाहर निकल आए। कालजयी कविता वही होती है जो रत्ती भर भी राहत न दे। कबीर कह गए थे ना, अवधु अग्नि जले की काठ। कविता का भी बुनियादी काम यही है। कविता हमारी स्मृतियों का संग्रहालय है। हर कवि का अपना अपना सच होता है, पर वह सच तब तक अधूरा रहता है जब तक सहृदय समाज उसमें अपना सच न मिला दे। दुनिया में न मालूम कितने ऐसे वंचित हैं, अनसुने स्वर रह गए हैं, न जाने कितनी अनादृत ध्वनियां हैं। कविता उन सबको पकड़ने का प्रयास करती है। कविता का पहला दायित्व भी यही है कि वह आवाज न दे। कवि से अधिक जोखिम आलोचक को उठाना पड़ता है। वह कई बार अंधेरे को काबू में करने की चेष्टा में अंधेरे में घिर जाता है। समकालीन कविता में समसामयिकता एक असुविधाजनक चुनौती है। यह हमें ठोस सार्थक शब्दों में सोचने को मजबूर करती है। और रघुवीर सहाय कहते हैं, हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। यह वही प्रतिबद्धता है जिसकी मांग नागार्जुन किया करते थे। यही प्रतिबद्धता कविता के होने के प्रति सचेतनता या उसको बनाए रखने के लिए छटपटाहट है। नितांत समसामयिकता के साथ कवि धर्म के प्रति भी ईमानदार बने रहना जरा मुश्किल है। समसामयिक तेवर लिए ईमानदार बयान देती कविता में ही दूर तक चलने का साहस होता है। हर दौर में असंतोष और अस्वीकृति कविता की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण होती है। इसी तरह रचना की आलोचना
सबसे संघर्ष का काम है। आलोचक को और लोकतांत्रिक होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं, वे अपने मायने खोते जा रहे हैं। ऐसे में केवल भाषा या शिल्प को साधने से ज्यादा जरूरी काम शब्द की पूरी परंपरा को साधना है। इसलिए आज जरूरत है गंभीर कविता की, क्योंकि कविता के पास तमाम जटिल प्रश्नों का उत्तर है यदि खोजा जाए। कविता लिखने और कविता पर बात करने के लिए साहस जुटाना वस्तुतः एक गंभीर प्रशिक्षण की भी मांग करता है। आलोचना जगत में सहमति से बढ़कर असहमतियों का स्वागत होना चाहिए। हिंदी आलोचना में रघुवीर सहाय पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, जैसे रघुवीर सहाय के यहाँ आतंक तो दिखता है, पर उसका प्रतिकार कहाँ और कैसा? रघुवीर सहाय खतरे का कोई निदान नहीं खोजते, या उनके यहाँ कथ्य गड्ढमड्ढ है, वे समय की दुखती रग पर उंगलियां रख देते हैं पर समाधान नहीं ढूंढते। रघुवीर सहाय पर और सवाल उठते हैं, चेतावनी के कवि हैं, यह चेतावनी उनकी परंपरा में इतनी जटिल हो जाती है कि किसी काम की नहीं रहती। रघुवीर सहाय पर यह आरोप भी लगता है कि उन पर मीडिया का दबाव था। उनकी कविता अहिंसक होकर मधुर निवेदन हो जाती है। रघुवीर सहाय की कविताएं शुष्क शोक गीत हैं जो व्यक्ति और समाज से निरपेक्ष हैं। रघुवीर सहाय के सामने जनता का शोषण, लोकतंत्र का अंत, भ्रष्टाचार और लाचारी, ऐसे बहुत से मसले थे। वे कैसे इसे नजरअंदाज करते? वे शब्दों के विरुद्ध, अर्थ के विरुद्ध कर उन संकल्पनाओं को बेमतलब कर देते हैं। जहां तक रघुवीर सहाय के यहाँ कथ्य के गड्ढमड्ढ होने का सवाल है, कविता में समाधान न मिलने का मसला है, उस पर विचार जरूरी है। कथ्य का सीधा अर्थ उन वस्तुओं और घटनाओं के भीतर और बाहर के संबंधों का जाल जो उन्हें सजीव बनाता है और उनकी विशिष्ट सत्ता को बनाए रखते हुए बाहरी शक्तियों और सत्ताओं के साथ जूझता है। रघुवीर सहाय की कविताएं पारिभाषिक साहित्यिक अर्थ में साहित्यिक कविताएं नहीं हैं। वे वस्तु और घटना की जीवंत वास्तविकता के पक्ष में कविता न होने का खतरा उठाकर भी साहित्यिक और प्रचलित काव्य रीतियों को स्वीकार नहीं करती। एकांश देखिए, बड़ी हो रही लड़की जब वह कुछ कहती है, उसकी आवाज में एक कोई चीज मुझे एकाएक औरत की आवाज लगती है। जो अपमान बड़े होने पर सहेगी वह बड़ी होगी, डरी और दुबली रहेगी, और मैं ना होऊंगा वे किताबें उम्मीदें ना होंगी जो उसके बचपन में थी। कविता न होगी, साहस न होगा, एक और ही युग होगा जिसमें ताकत ही ताकत होगी, चीख न होगी। कविता की इन पंक्तियों में जीवित वास्तविकता और व्याकुल अनुभूति है, जिसे सिर्फ कविता लिखकर निपटा देना असंभव है। रघुवीर सहाय अपने कविकर्म के भीतर आरंभ से ही चीजों को कविता में निपटा देने की अपर्याप्तता महसूस करते रहे हैं, और आसान तथा कवि के स्टेटस को बनाए रखने वाली तथा कथित गंभीर और सूक्ष्म रास्तों का सबसे पहले नकार करते हैं। रघुवीर सहाय लगातार कठिन किंतु सही रास्तों को अपनाते रहे हैं। ऐसे कवि पर यह आरोप कि वे समाधान नहीं ढूंढते सही नहीं है। रघुवीर सहाय खुद कहा करते थे, एक ही रास्ता है, सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाए। कविता भी उनमें से एक है, और कविता के मोर्चे पर लड़ी जाने वाली लड़ाई दूसरे मोर्चों पर चल रही लड़ाई के साथ ही है। एक और अंश देखिए, यानी कि आप ही देखें कि जो कवि नहीं है अपनी एक मूर्ति बनाता हूं और ढहाता हूं, और आप कहते हैं कि कविता की है, क्या मुझे दूसरों को तोड़ने की फुर्सत है? इस मूर्ति बनाने और ढहाने में वस्तुतः आदमी की आजादी और सत्ता के बीच रिश्ते खोजते और बनाते ढहाते रहने का अनवरत तनाव है। यही वह तनाव बिंदु है जहां वैयक्तिक सत्ता
और राज्य तथा समाज की नियामक सत्ता के बीच तनाव भरता है। रघुवीर सहाय की कविताएं जीवन विरोधी इन्हीं स्थितियों की पहचान कराती हैं और उनसे हमें मुठभेड़ करने की ताकत देती हैं। मैं तो कहूंगी रघुवीर सहाय चेतावनी के कवि हैं, यही उनकी कविताओं की सबसे बड़ी ताकत भी है। इस समय और समाज में इसी चेतावनी की सबसे बड़ी कमी है। क्या कारण है कि दहशत का अनुभव घनीभूत होता चला जाता है और चीजों को बदलने का उद्देश्य स्पष्ट होते हुए भी, कर्म को जीवन दर्शन मानते हुए भी चीजें नहीं बदल रही हैं? लोगों से एक ही साथ नफरत और प्रेम करने वाला कवि रघुवीर सहाय ही हो सकता है। जब वे कहते हैं ना, कुछ होगा, कुछ तो होगा अगर मैं बोलूंगा, चेतावनी देने वाला यह कवि सही और गलत, पक्ष और विपक्ष, असमंजस और अंतर विरोध, सब कुछ तो पहचान रहा है और हमें चेता भी रहा है। एक और कविता के अंश में देखिए, वे मेरे शब्दों के ताक में बैठे हैं, जहां सुना नहीं गलत अर्थ लिया और मुझे मारा, इसलिए कहूंगा मैं मगर मुझे पाने दो पहले ऐसी बोली जिसके दो अर्थ ना हो। अब आप देखें कि जिस समय सारी दुनिया भाषा पर लड़ रही है, रघुवीर सहाय बोली का मसला उठाते हैं, यानी कि कैसा सचेत सावधान कर देने वाला ये समय है कि लोग संशयग्रस्त हैं, दुविधाग्रस्त हैं, एक दूसरे से मिलने, सद्भाव कायम करने में भी उन्हें समय लगता है। ऐसे में रघुवीर सहाय कहते हैं कि दो अर्थ का भय, यानी अर्थ शब्द प्याज की परतों जैसा परत दर परत खुलता जाए और किसी के लिए सहूलियत बन जाए तो रघुवीर सहाय सावधान करते हैं। ये मौके के मुताबिक अवसरवादी ढंग से इस्तेमाल न होने की चुनौती है। मित्रों, उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक परिवर्तन, असुरक्षा, डर और अवसाद के साथ हमारे समय के आदमी को पहचाना है। वह कितनी तरह से उलझा हुआ है, वह कितना विवश है, कितना सक्रिय है और साथ ही कितना अकेला है। रघुवीर सहाय की कविता को शुष्क शोक गीत भी आलोचक कहते हैं। मुझे यहां आपत्ति है, उन्हें व्यक्ति और समाज से निरपेक्ष समझने वाले आलोचकों को यह ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष को रघुवीर सहाय ने मानवीय ऊर्जा के लिए अनिवार्य माना। कला परंपरा, भाषा और शिल्प को उन्होंने इतनी गरिमा दी है कि वह किसी के मातहत न हो सके। वे मानते थे हर मनुष्य जन्म से ही अद्वितीय होता है, लेकिन जन्म के बाद जीवन में बहुतों से उनके अद्वितीय होने का अधिकार छिन जाता है। अधिकार छीनने वालों के प्रति रघुवीर सहाय का रवैया देखिए, अद्वितीय है हर एक मनुष्य और उसका अधिकार अद्वितीय होने का। छीन कर जो खुद को अद्वितीय कहते हैं, उनकी रचनाएं हो या उनके हो विचार, पीड़ा के एक रस भीने अवलेह में लपेट कर परसे जाते हैं तो उसे कला कहते हैं। रघुवीर सहाय ऐसी कला बुद्धि के धुर विरोधी हैं, जहां चमत्कार अधिक नजर आए। कवि कलाकार नहीं है कि वह कला से खेले, वे इसे आडंबर मानते हैं। सुरक्षित कोनों का विरोधी कवि अपने लिए कैसे सुरक्षा खोह बनाएगा? ताज्जुब है, ताज्जुब है कि क्या कला समाज बदल सकती है? जहां बहुत कला होगी, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और रघुवीर सहाय को तो हम परिवर्तन का कवि मानते हैं, वे कविता को हथियार मानते हैं परिवर्तन का। हत्यारे सक्रिय और सजग हैं, यही कारण है कि शब्द और भाषा के प्रति रघुवीर सहाय अपने सभी समकालीनों में सर्वाधिक सचेत दिखाई देते हैं। कविता की एक टुकड़ी में फिर वे कहते हैं, वे जब हत्यारे सारे शब्दों को तोड़ लेंगे, तब वे अपने अपने मित्रों को मार देंगे। रघुवीर सहाय कहते हैं, विराट भीड़ों के समाज को बदलने का आज सिर्फ एक साधन है,
वह है सत्ता का उपयोग, जो समुदाय का एक एक व्यक्ति अलग अलग निर्णयों से कुछ हाथों में दे देता है। सरकार जो राज्य की प्रतिनिधि है, जैसी भी हो, अधूरी, टूटी, नकली, मिलावटी या मूर्ख, सरकार तो सरकार रहेगी। अकेला कारगर साधन भीड़ के हाथ में है और रघुवीर सहाय इस साधन के अधिक से अधिक सही इस्तेमाल के लिए लड़ने का नाम कविता कहते हैं। इसे लड़े बिना नहीं रहा जा सकता। ऐसा जुझारू कवि समाज व्यवस्था के बीच साधारण मनुष्य, आरक्षित और असहाय के साथ जीने का संघर्ष कर रहा है, और यही रघुवीर सहाय की काव्य यात्रा में हम देखते हैं कि उनकी कविताओं का मूल तथ्य भी यही है। भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति में मतदाताओं की आरक्षित असहाय जिंदगी की खबरें रघुवीर सहाय की कविताओं में बड़ी शिद्दत से आई हैं। आप देखें नमूना, फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई, फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई, फिर आदमियों के पाले से लू से मरने की खबर आई। न जाड़ा ज्यादा था न लू ज्यादा, तब कैसे मरे आदमी? वे खड़े रहते हैं तब नहीं दिखते, मर जाते हैं तब लोग जाड़े और लू की बात बताते हैं। यानी ये जो जनता है, ये भेड़ है, और इस जनता को लगातार इस्तेमाल करने वाली हमारी सत्ता, शक्ति, साधन, संपन्न लोग, ये जो कद्दावर लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो जनता को कैसे जाड़े में गर्म कोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। खबरों का यह रूप कविता में अभिव्यक्त हो सकता है, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी न था। फिर भी यह कहना कि रघुवीर सहाय खबरों का कोई चरित्र नहीं गढ़ते, मित्रों बेमानी है। रघुवीर सहाय की कविता की अवधारणा को देखते हुए हम यह देखते हैं कि वे हमेशा प्रतिपक्ष के कवि रहे हैं, यानी उन्हें ये साफ है कि उन्हें किसका पक्ष देना है। साथ ही यह भी कि प्रतिपक्ष की वैचारिक तथा नैतिक दायित्वों की नासमझी और विसंगतियों को कविता में कैसे उभारना है। यानी वे न तो शक्ति सत्ता के साथ रहते हैं और न ही भीड़ भड़क्के के साथ, वे कमजोर दलीय राजनीति से भी दूर रहते हैं और सतत जनता के सही प्रतिनिधित्व के लिए जन पक्षधर कवि के रूप में लिखते रहते हैं। रघुवीर सहाय की एक कविता बेजोड़ है, आने वाला खतरा, जिसमें वे लिखते हैं, एक दिन इसी तरह आएगा रमेश कि किसी की कोई राय न रह जाएगी। रमेश, क्रोध होगा पर विरोध न होगा, अर्जियों के सिवाय रमेश, खतरा होगा, खतरे की घंटी होगी पर उसे बादशाह बजाएगा रमेश। यानी आप ही देखें कि इसमें जनता की भागीदारी कहाँ है। सन 1974 में इमरजेंसी पर लिखी हुई रघुवीर सहाय की चेतावनी भरी कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो अपनी दूरदृष्टि के कारण आज भी प्रासंगिक है। आज भी कमोबेश वही सब हो रहा है। अंधा क्रोध तो होता है, विरोध नहीं होता। अर्जियां लिखी जाती हैं, समाधान नहीं होते। हर तरफ एक खतरा होता है, पर खतरे की घंटी बजाने वाला कोई असहाय नहीं होता। यानी रघुवीर सहाय जिस जनता को असहाय कहते हैं, कोई असहाय उसमें अपना भागीदारी नहीं निभा रहा होता। आज हर तरफ एक आजाद दिमाग की कमी है, जो आदतन खुशामद न करता हो, जो अपनी गरीबी को स्वाभिमान से जीता हो और क्रूर हिंसक सत्ता से आंख मिलाने का साहस रखता हो। जबकि रघुवीर सहाय ऐसे ही असहाय को तलाश रहे हैं जो अपनी गरीबी को गर्बीली गरीबी बना दे। लोकतंत्र का मजाक बनते देख रहे हैं बेहद बूढ़े, कुछ कम बूढ़े कहें कि क्या यह लोकतंत्र है। इनसे भी कम बूढ़े कहते हैं कि मार दो। बेहद कम बूढ़ों को नफरत है इस लोकतंत्र से, बाकी सबको एक दूसरे से नफरत है। मित्रों, मनुष्य पर आने वाले संकटों के बारे में
रघुवीर सहाय सर्वाधिक सचेत हैं। ये बात इनसे पहले मुक्तिबोध की कविता में नजर आती है। रघुवीर सहाय की पूरी कविता आजादी से लेकर हमारे आज के हालात को समेटने में पूरी तरह सक्षम है। यह चेतावनी की कविता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल्यों के लगातार नष्ट होते जाने, लोकतंत्र का मखौल बनते रहने, लोकतंत्र से भी घृणा और आपस में घृणा करते लोगों की आबादी बढ़ते रहने की व्यथा कथा है। अब कौन कहेगा कि ये 40 साल पुरानी कविता है। दिन ब दिन राजा सुरक्षित होता जा रहा है क्योंकि समाज मर रहा है। रघुवीर सहाय के पहले कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, प्रकृति है, धूप है, पेड़ है, फूल है, खुशबू है, पानी और कुछ प्रेम कविताएं भी हैं, लेकिन ये सभी अपने प्रचलित अर्थों में नहीं नजर आते। एक नमूना देखें। देखो वृक्ष कुछ रच रहा है, किताबी होगा वह कवि जो कहेगा हाय पत्ता झर रहा है। मित्रों, ब्रेस्ट का कथन था कि वह जो सामने हंस रहा है तो सिर्फ इसलिए कि अभी तक बुरी खबर उस तक नहीं पहुंची है। कितना सच है। ठीक इसी प्रकार रघुवीर सहाय भी भावना के कवि नहीं है, बल्कि कहीं कहीं तो उनकी खिल्ली उड़ाते नजर आते हैं। कोरी भावुकता की खिल्ली उड़ाता यह कवि कहता है कि दुनिया में घुटन है, लाचारी है। ऐसे एहसास में भावुकता पर कविता, भावुकता अधूरा अनुभव है जब तक वह सामाजिक विचार न बनकर आ जाए। पीड़ा भोगने से पहले उसे समझना जरूरी है। इसलिए रघुवीर सहाय कह जाते हैं, वह क्या है जो इस जूते में गड़ता है, यह कील कहां से रोज निकल आती है, इस दुख को रोज समझना क्यों पड़ता है। मित्रों, इस दुख को बिना समझे अभिव्यक्त करना रघुवीर सहाय की नैतिकता नहीं है। दुख को बिना समझे, रघुवीर सहाय का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा व्यवहारिक है। वे किसी विचारधारा या किसी किताब या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आधार पर आश्रित नहीं है। रघुवीर सहाय के रंग ढंग तेवर न तो प्रगतिवादियों से मेल खाते हैं और न ही उनके समय के दूसरे कवियों से। वे फार्मूलावादी कवि तो कतई नहीं है। रघुवीर सहाय समाज व्यवस्था और उसके अवयवों की पहचान में लगातार एक खोजी पत्रकार की तरह लगे हुए हैं। रघुवीर सहाय निराश नहीं होते, हताश नहीं हैं, उम्मीद अभी भी है उन्हें। इसलिए कविता के एक अंश में कहते हैं, कुछ होगा, कुछ तो होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, टूट मेरे मन टूट, अब अच्छी तरह से टूट, झूठ मूठ अब मत रूठ। मित्रों, ये झूठ मूठ जो रूठे हुए लोग हैं, इन्हीं को रघुवीर सहाय उद्बोधित करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि अपनी सही भागीदारी निभाओ, सही पक्षधरता निभाओ, किसके साथ और कब आवाज उठानी है। अफसोस तो यही है ना, लोग खूब बोलते हैं, बड़ी शिद्दत से बोलते हैं, पर कब और क्या कहां बोलना है यही नहीं जानते। जैसा कि राग दरबारी में कह गए थे श्रीलाल शुक्ल कि ये भुनभुनाने वालों का देश है, तो रघुवीर सहाय भी यही कह रहे हैं कि भीतर के कायर को मारने की जरूरत है। सत्ता से टकराने के लिए जिस ईमानदारी और जिस प्रतिबद्धता की जरूरत है, वह जनता सही सही मायनों में पहचाने। केवल झूठे विरोध से, झूठे क्रोध से अब कुछ भी परिवर्तित होने वाला नहीं है। तो रघुवीर सहाय अपने को बहाना बनाकर अपने लोगों को, असहायों को जोड़ते हुए ये कहते हैं कि झूठ मूठ अब मत रूठ, बल्कि भीतर के कायर को मार दे। जरूर कुछ होगा, बदलाव आएगा, अवश्यम भावी बदलाव जरूर होगा, लेकिन जब बोलोगे, बोलने का जोखिम उठाओगे, कुछ तो होगा। रघुवीर सहाय समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के विचारों से बहुत प्रभावित थे, किंतु उन्होंने कभी भी किसी की विचारधारा की पूजा नहीं की। विचारहीन पूजा रघुवीर सहाय को अक्षम्य थी।
उनका समाजवाद मार्क्स और एंगल्स वाला समाजवाद भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि भारतीय संदर्भों में जनतांत्रिक समाजवाद है। जब तक रचनाकार सामाजिक और राजनीतिक कष्टों और दबावों को झेले नहीं, तब तक वह पीड़ा व्यक्त करने लायक नहीं होता। सच है ना, यातना रचनात्मक होता है। पीड़ा जिसने भोगी हो वही पीड़ा का बखान करे, अनुभूत सत्य का बखान करे। करुणा भी रघुवीर सहाय की रचनाओं में विचार की शक्ल में आई है। कहा ना, कोरी भावुकता रघुवीर सहाय को असह्य है। उन्हें दया और आत्मदया से भी घृणा है। करुणा और दया इंसान को अपनी निगाह से भी गिरा देता है और यह महज इस्तेमाल की वस्तु बनकर रह जाता है। दया करने वाली सत्ता उसके भीतर से विरोध की क्षमता छीन लेती है। ऐसी सहानुभूति, दुख और करुणा से न केवल रघुवीर सहाय खुद बचते हैं, बल्कि वह अपने अपनों को, असहायों को भी बचा कर चलते हैं। भाषा के पुजारियों और पंडों के प्रबल विरोधी रघुवीर सहाय हिंदी में रचनात्मकता और कविता में नवीन संभावनाओं की लगातार खोज कर रहे हैं। उन्हें अन्य भारतीय भाषाएं भी उतनी ही प्रिय हैं जितनी कि हिंदी, इसीलिए वे भाषा में नए रूपक, नए प्रतीक गढ़कर उन्हें सामाजिक संबंधों से जोड़ते हैं। सत्ता और जनता की भी एक भाषा होती है। सत्ता की भाषा हमेशा जनता की भाषा से अलग होती है। रघुवीर सहाय ने लिखा है, मुझे मालूम था मगर इस तरह नहीं कि जो खतरे मैंने देखे थे वे सब सच होंगे। तो किस तरह उनकी चेतावनी देने की भाषा बेकार हो चुकी होगी, एक नई भाषा की दरकार होगी। मित्रों, अपनी ही कविता के एक अंश में रघुवीर सहाय कह गए थे कि भाषा की जरूरत नहीं होती, साहस की होती है। वह साहस बहुत जरूरी है कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी येन तेन के व्यक्ति अपनी बात सीधी कहने का जोखिम उठाए और सत्ता से जूझे, टकराए, जोखिम ले। चाहे भाव हो या भाषा, दोनों को लेकर रघुवीर सहाय के विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं, साफ हैं। वे लेखक होने के साथ साथ और कुछ नहीं तो संवेदना की सच्चाई को जानना बेहद जरूरी मानते हैं। कहते हैं, लेखक हो या आलोचक, यदि शब्द के भीतर उसकी गहराई को, संवेदना की सच्चाई को नहीं पहचानता, नहीं जानता, तो वह आलोचना धर्म ना निभाए। रघुवीर सहाय के व्यक्तित्व में साहित्यकार और पत्रकार का योग होने के कारण साथ साथ वे एक ऐसा और नया विजन भी देते हैं कि हर चीज को, चाहे वह पुरानी चीज है, चाहे वह शाश्वत विषय है, हर चीज को नए तरीके से देखना और दिखाना रघुवीर सहाय बखूबी जानते हैं। यथार्थ को अपनाने से पहले वे उसे नए ढंग से खोजते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, फिर जाकर कविता में परोसते हैं। बिना किसी फॉर्मेट के नए भाव और विचार को अपनाने में अपने समकालीन तमाम कवियों के अपेक्षाकृत रघुवीर सहाय अधिक उदार हैं। रघुवीर सहाय के पास बना बनाया कोई सांचा या खांचा, ढांचा नहीं है, बल्कि खांचों, सांचों और ढांचों के तो वे विरोधी रहे हैं, धुर विरोधी रहे हैं। यही कारण है कि वे पुरानी अवधारणाओं और शास्त्रीय सिद्धांतों से मुक्त रहे हैं और मुक्त करना जानते हैं। निरंतर शोध धर्मी रघुवीर सहाय यथार्थ में मनुष्य को, मनुष्य के यथार्थ को एक दूसरे में आवाजाही करने देते हैं। इतनी आजादी वे अपने पाठक को और आलोचक को भी, यदि वह पहचाने तो, देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितनी गड़बड़ियां बढ़ेंगी, राजनीति जितनी विडंबनाग्रस्त होगी, उतना ही और उतनी ही बार रघुवीर सहाय की कविता की ओर हमें लौटना पड़ेगा, बार बार। मैं हमेशा यह कहती हूँ, अंधेरा जितना गहराएगा, रघुवीर सहाय की कविताएं उतनी साफ स्पष्ट नजर आएंगी। रघुवीर सहाय ने तमाम काव्य विषयों, भाषा और वैचारिक संगठनों के साथ
खूब छेड़छाड़ की है। उनकी शोध दृष्टि, शोध वृत्ति आधुनिक है, पर वे आधुनिकतावादी कहलाना पसंद नहीं करते थे। वे क्रांतिवादी थे। उनकी कविताएं भी क्रांति का विगुल हैं। वे किसी लिजलिजे सुधारक की तरह नहीं थे कि समाज में फट परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। आमूल चूल परिवर्तन के आग्रही थे। वे परिवर्तन के पक्षधर भी थे और परिवर्तन के लिए लगातार प्रयत्नशील भी थे। रघुवीर सहाय का एक संकलन है, लोग भूल गए हैं। उस संकलन में एक कविता है जिसमें रघुवीर सहाय स्वीकार करते हैं, आज अन्याय और दासता की पोषक और समर्थक शक्तियां मानवीय रिश्तों को बिगाड़ने पर तुली हैं। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले जन मानवीय अधिकार की अपनी हर लड़ाई को एक पराजय बनता हुआ पा रहे हैं। मित्रों, आप देखेंगे लगातार कोई भी क्रांति क्यों सफल नहीं हो रही, कोई भी जनसंघर्ष सफल क्यों नहीं हो रहा, कुशल नेतृत्व का अभाव और स्पष्ट विचारधारा का अभाव इसका सबसे बड़ा कारण है कि संघर्ष की रणनीतियां उन्हीं के आदर्शों की पूर्ति करती दिखाई देती हैं हम जिनके विरुद्ध लड़ रहे होते हैं, जिनके विरुद्ध ये सारा संघर्ष हो रहा होता है। क्योंकि संघर्ष का आधार नए मानवीय रिश्तों की खोज अब नहीं रह गया है। और ये स्वीकारोक्ति रघुवीर सहाय की खुद है कि संघर्ष इसीलिए सफल नहीं हो रहे, क्रांतियां इसीलिए नहीं हो रही। तो एक बार फिर हम इस पाठ को अगर रिवाइज करें तो निष्कर्ष के रूप में हम कुछ इस काव्यात्रा में पाते हैं, रघुवीर सहाय की सारी रचना धर्मिता सन 1950 से 90 के बीच रही। यही कारण है कि भारतीय राजनीति, आज़ादी के बाद का मोहभंग, बुर्जुआ लोकतंत्र, मध्यम वर्गीय चरित्र, स्वाधीन भारत की विडंबनाओं पर रघुवीर ने सबसे अधिक लिखा। वह दौर, वह समय, वह समाज भी कुछ ऐसा ही था कि रघुवीर सहाय को अपना कवि धर्म पहचानना पड़ा। रघुवीर के सभी चरित्र, चाहे वह जूता पॉलिश करने वाला लड़का हो या अखबार बेचने वाला बूढ़ा, रिक्शा चलाने वाला जवान हो या गर्भवती मजदूरिन, सब के स्वर में सवाल है, जिरह है, जूझने की प्रवृत्ति है, टकराने की प्रवृत्ति है। वे सब मानवीय अधिकारों और अस्मिता के प्रति संघर्षशील दिखाई देते हैं। रघुवीर सहाय की कविताओं में उनकी पूरी काव्य यात्रा को तय करते हुए हमने पाया कि इनके यहां ग्रामीण चरित्रों का लगभग अभाव है। अपनी रचनात्मकता से रघुवीर उन चरित्रों को गढ़ते हैं जो उपेक्षित तो हैं पर नागर स्वभाव लिए हुए हैं। उनके यहां लोकतंत्र अपनी तमाम प्रतिध्वनियों में पहचाना जा सकता है। आजाद भारत की हिंसक क्रूर नीतियां पहचानी जा सकती हैं। रघुवीर की कविताओं में पराधीनता और पराजय, ये दो चीजें आप ध्यान रखें। उनकी कविताओं में पराधीनता और पराजय की कई परतें हैं। जैसे उनकी कविता प्याज की परतों सी खुलती है, ऐसे ही उनकी रचना धर्मिता को समझने के लिए कविता की आलोचना करते हुए पराधीनता और पराजय को की परतों को खंगालना होगा। कहीं रामदास सरीखे हिंसा के शिकार चरित्र हैं, तो कहीं जनप्रतिनिधियों की गूंज भरी हंसी भयानक हिंसक है। रघुवीर सहाय यहां क्रोध से अधिक घृणा को मजबूत बनाते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता में वे क्रोध की कई परतों को उभारते हैं, हंसी की कई परतों को उभारते हैं, लेकिन घृणा को जितना उन्होंने मजबूत इस कविता में दिखाया है वो कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगी। ताकि विरोधी प्रतिरोधी शक्तियां जन्म लें, उनका जन्म लेना जरूरी है। उनकी कविताओं में अकेलापन काटता है, सालता है, लेकिन उनकी कविताओं का धर्म अकेलेपन को काटने दौड़ता है। अपनी निर्भीकता और प्रतिबद्धता के लिए रघुवीर सहाय हमेशा जाने माने जाएंगे, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना था, प्रतिबद्धता एक ऐसी नागभांस है जो व्यक्ति को मात्र कुंठित करती है, उसे एक दायरे में कैद करती है।
फिर चाहे वह दायरा राजनीति का हो या सामाजिक मर्यादाओं का, और कभी कभी तो साहित्य चिंतन का भी। मैं अपनी प्रतिबद्धता को इन सब से अलग देखना चाहता हूं, क्योंकि पूंजीवादी सभ्यता व्यक्ति के मन में कुंठा भर रही है और धीरे धीरे उसकी रचनात्मकता ही नहीं, उसकी जिजीविषा को भी खत्म कर देती है।